मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं अपनी बचपन की सहेली सीता सिंह का एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। सीता सिंह हमारी बचपन की सहेली है, एक से लेकर 12वीं तक हम लोगों ने पढ़ाई साथ में की। उसके बाद हम लोग तो सर्विस करने लगे, नौकरी में आ गए, लेकिन सीता सिंह की इच्छा थी गृहिणी बनने की, और वो बहुत कुशल गृहिणी, भाई बहुत उनको नॉलेज है। तो उन्होंने लिखा कि पहली बार खुद की कदर जानी, बिस्तर पर पड़ी तो अपनी कीमत पहचानी, झाड़ू पोछा 2000, खाना 4000, कपड़े डस्टिंग 3000, और चाय नाश्ता उफ क्या क्या लिखूं, 10000 देकर भी मिलती नहीं, घर में कोई बाई टिकती ही नहीं, और मैं बरसों से टिकी हूँ, बिना सैलरी के ही रुकी हुई हूँ। 20 साल का तो लाखों हो गया, 20 साल का तो लाखों हो गया, और वो कह रहे हैं कि तुम कमाती नहीं हो, और वो कह रहे हैं कि कमाती नहीं हो, बेशक कमाया नहीं पर बचाया तो है, मकान को घर बनाया तो है। आज आप जब चाय बनाते हो तो 4 बार पूछने आते हो, और फिर भी मेरी तरह चाय नहीं बना पाते हो। अरे तुमने जो पोहे बनाए आधे तो कढ़ाई में ही चिपक गए, और जो पापड़ को पराठा बनाया उसको भी हमने बड़े प्यार से खाया। माना तेरा किया बहुत है पर मेरा किया कम तो नहीं है, माना तेरा किया बहुत है पर मेरा किया तो कम नहीं है। घर को सहेजना मेरा शौक नहीं, जरूरत थी, काश तुम ये समझ पाते तो मेरे किए को हल्का ना बताते, काश तुम इसे समझ पाते तो मेरे किए को हल्का ना बताते। सही बात है, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, कहते सभी महिलाओं को समर्पित है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा, बिन नारी घर भूतन का डेरा, कि जिस घर में नारी है लक्ष्मी है उस घर की देखो अलग ही रौनक रहती है, और जिस घर में महिला नहीं है, स्त्री नहीं है, पत्नी नहीं है, पुरुष का जीवन भी बिना नारी के अधूरा है। औरतें तो क्या करती हैं, अपने बच्चों के साथ, बहुओं के साथ, सबके साथ हंस बोल कर अपना समय काट लेती हैं, लेकिन पुरुष को उसकी कीमत तभी पता लगती जब वो नहीं होती। और सही बात कहा है कि जब मैं बिस्तर पर पड़ी तब मैंने अपनी कीमत पहचान ली कि मैं तो लाखों की हूँ। अरे मैं रोज़ क्या करती हूँ, घर में खाना बनाती हूँ, अभी कोई खाना बनाने वाली रखो तो क्या 4-5 हज़ार से कम लेगी, और वो भी इतना मन का खाना नहीं बनाएगी जैसे कि एक पत्नी बनाती है, प्यार से खिलाती है, झाड़ू पोछा, आप नौकरा नहीं लगाएंगे, एक बार आएगी 2 बार आएगी, लेकिन जो घर की नारी है जहाँ उसने गंदा देखा तुरंत झाड़ू पोछा लेकर के अपना जुड़ जाएगी, अपने घर को साफ सुथरा रखने का प्रयास करेगी, उसके साथ कितना प्यार देती है, बिना सैलरी के काम करती है, कुछ नहीं, खाली वो आपकी एक मुस्कान चाहती है, आपकी प्यार भरी नज़र चाहती है, थोड़ा सा मान सम्मान चाहती है। तो भाई सीता सिंह का ये आर्टिकल आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको टाटा बाय बाय।